बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम आलू बुखारे की चटनी बनाएंगे जो 15 मिनट में तैयार हो जाती है। शादियों वाले आलू बुखारे की बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है। तो सबसे पहले हमने पैन जो है वो चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। 1.5 कप हम पानी डालेंगे और इसको एक बॉयल आने देंगे। 3 इलायचियां लेकर हमने उनके सीड निकाल लिए हैं, आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ये 1 पाव हमने आलू बुखारा लिया है, बॉयल हो रहा है, अब हम इसमें डाल देंगे इसको। आलू बुखारा फूलना शुरू हो गए, अच्छी तरह फूल जाएगा और फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। ये 2 पिंच जो है, 2 चुटकी जो है, ये हम लाल मिर्ची इसमें डालेंगे। 2 चुटकी हम काली मिर्च डालेंगे। अगर आपने सिरका डालना है तो नमक ना डालें, अगर नमक डालना है तो फिर सिरका ना डालें। सिरके से ये है कि चटनी महफूज रहती है, हम सिरका इसमें ऐड करेंगे। अच्छा कलर लाने के लिए ये 1 पिंच जो है, ये 1 चुटकी जो है रेड कलर डालते हैं, आप येलो कलर भी डाल सकते हैं, या फिर अगर कलर नहीं है आपके पास तो जब ये पक जाए ठंडा होने के बाद इसमें रूह अफ़ज़ा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, जिससे कलर अच्छा आ जाता है। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। 1 पाव अगर आलू बुखारा है तो 1 पाव ही आपने चीनी डालनी है, जितना आलू बुखारा होता है उतने ही चीनी डालती है। चीनी डालने के बाद ये चीनी पानी छोड़ती है, इसलिए अभी ये पतला होगा। ये ऊपर जो गंद सा जमा हो जाता है इसको निकाल लेना है, ये ऊपर मैल आ जाती है, इसको निकालना होता है। देखिए कैसे हमारे आलू बुखारे फूल गए। अब तकरीबन ये तैयार है। 2 टेबलस्पून हमने बादाम लिए हैं जिनके छिलके हमने उतार लिए हुए हैं, और 1 टेबलस्पून 4 मगज हैं, इसको मैंने धो लिया है, इनको मेलन सीड भी कहते हैं। 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे, फिर इसको उतार लेंगे। जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो तो इसको फ्लेम को ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने फिर थिक होना है। फ्लेम को हम ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। देखें ठंडी होकर कितनी अच्छी है चटनी लग रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।